الحسين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين जिसने एक पैगंबर भेजा उन्हीं में से जो उनके सामने आयात इलाही की तिलावत करता है और उनके नफूस को सुधारता है और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है अगरचे वो इसके पहले खुली हुई गुमराही में थे। मैंने अर्ज किया कि ये मजमून तीन जगह इसके पहले कुरान मजीद में है मगर यहाँ उसकी शान अजीब है, यानी अल्लाह का तारुफ कराया जा रहा है ये कह के कि वो है जिसने ऐसा रसूल भेजा। अब इस रसूल की अजमत का अंदाज़ा क्या किया जा सकता है और उसकी मारिफत हासिल करना इंसान के लिए क्यों कर मुमकिन। और इसके लिए मैं एक आम उसूल आपके सामने पेश करूँ और उसे फुर्सत के लम्हात में देखिएगा कि सही है या नहीं। कि मंजिले कमाल पर पहुँच के नक्श को समझना आसान है मगर मंजिल नक्श से कमाल को देखना और समझना ये तकरीबन नामुमकिन। इसकी रोज़मर्रा की मिसालें मैं दो आपके सामने पेश कर सकता हूँ। एक ये कि बूढ़ा जानता है कि जवानी क्या थी और जवान जानता है कि बचपना क्या था मगर बच्चा समझ सके कि शबाब क्या होता है ये नामुमकिन है। दूसरी मिसाल जो और ज़्यादा रोज़मर्रा की है वो यह है कि जब जागते हैं तो समझते हैं कि सो रहे थे लेकिन सोते में ये तसव्वुर करना कि जागेंगे तो क्या होगा ये नामुमकिन। सोते में तो आदमी ख्वाब देखता है तो उसी को बेदारी समझता है तो ख्वाब के आलम में बेदारी का तसव्वुर नहीं हो सकता। बेदार होने के बाद ख्वाब का तसव्वुर हो सकता तो इसी तरह से एक गैर मासूम क्या समझ सकता है कि मासूम क्या होता है। कहीं गैर मासूम और मासूम। अब इसके आगे ये कि आम अफराद क्या समझ सकते हैं कि नबी क्या है और अंबिया क्या समझ सकते हैं कि खातिमुल अंबिया क्या। सलावत भेजिए वलेना। फिर वलेना आवाज से सलावत। तो आप कोई फिर मुझसे सवाल करने का हक रखता है कि जब
उनको पहचाना ही नहीं जा सकता, मारिफत ही नहीं हो सकती। तो फिर ये आप मेंबर पर आके ये कोशिश क्या करते हैं? और गौर व फिक्र काय के लिए होता है? और अब इसके मावरा दीनी दलील अर्ज कर दूं कि इसका खुलासा तो यह था कि मारिफत बालातर हस्तियों की मुमकिन ही नहीं, मगर अब हकीकत दीनी यह है कि मारिफत खुदा वाजिब है। हर खुदा हासिल करने का हुक्म में है। तो मारिफत रसूल और मारिफत इमाम हासिल करने का हुक्म क्यों ना होगा? वो तो हदीस मशहूर है, मन माता वलम यारिफ इमाम जमानी माता मीतन जाहिलिया, जो मर गया और उसने अपने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल नहीं की, वो जाहिलियत की मौत दुनिया से गया। तो अब मारिफत मुमकिन चीज़ है तब तो उसका हुक्म हुआ, वरना नामुमकिन चीज़ का तो हुक्म नहीं हुआ करता। तो अब ये दोनों बातें मुतज़ाद हो गई। अभी तो ये था कि मारिफत मुमकिन ही नहीं है, और अब ये हो गया कि मारिफत मुमकिन है और वाजिब है। तो अब ये दोनों बातें क्यों कर समझ में आए? अब इसके लिए कोई मंतिकी फलसफी तकरीर करना मंजूर नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक सुई को समंदर के अंदर डालिए तो समंदर सुई के नाके में समा नहीं जाएगा, मगर जितना इसका ज़र्फ है उतना तो समंदर आ ही जाएगा। के हैं कि अपनी कश्ती ज़हन को उनके कमालात के समंदर में डाल दें, फिर तो जितनी ज़र्फ़ में वसअत होगी उतना आ जाए। और इसीलिए इन बातों पर बहस करना उलौना बेकार है, इसलिए कि सब यकसा अगर मारिफत रखते तो ईमान के दर्जे क्यों होते? हज़रत पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब खास में ईमान के दर्जों को मुकर्रर करके हमें बताया। अब कुछ अफराद तो काबिल ज़िक्र नहीं थे, जहाँ से के काबिल ज़िक्र समझे वहाँ से हमें दर्जे बताए कि ईमान के 10 दर्जे हैं, और उनमें 8वें दर्जे पर मिक़दाद और 9वें दर्जे पर अबू ज़र और 10वें दर्जों पर फ़ाइज हज़रत सलमान। तो ये दर्जात ईमान क्या दर्जात मारिफत से अलग हैं? वही एक ही है कि जब तक मारिफत कामिल न होगी ईमान उस पर कामिल क्यों होगा? तो जब रसूल ने इनमें दर्जे मुकर्रर कर दिए तो वो तो आपस में नहीं लड़ते थे कभी। तो इसी तरह कोई ज्यादा समझा है उसको मुबारक हो, कोई कम समझा है उसे मुबारक हो, इसमें लड़ने की जरूरत क्या है? सलावत भेजिए बलंदा। फिर बलंद आवाज से बोला, मगर अब ये तीन हस्तियों का तज़किरा आ गया तो अब एक हकीकत
پر میں متوجہ کروں کہ زبان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں تو یہ تین خاص نام ہیں کہ ہمیشہ ایک ساتھ آئے ہیں. جیسے جو فضائل میں حدیث ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے بفیض مجالس جو ہم سنتے رہے ہیں اور آپ سنتے رہے ہیں کہ جب مقداد کا نام آئے گا فوراً ابو ذر ذہن میں آئیں گے, فوراً سلمان ذہن میں, یعنی یہ شخصیتیں جیسے لازم و ملزوم ہو گئیں, ایک سے دوسرے کا تصور ہونے لگا. تو جو حدیثیں ہیں پیغمبر کی وہ تین نام اس میں آتے ہیں. یہ اب ایک حدیث متفق علیہ, جتنے حالات صحابہ کی کتابیں ہیں سب میں وہ درج ہے, اور حالات صحابہ میں 1,000 اور اس سے زیادہ کے صفحات کی کتابیں موجود ہیں. جو عام طور سے متداول کتابیں ہیں ان میں سب سے قدیم استیعاب علامہ ابن عبد البر ہے, جو بنی امیہ کے اس دار السلطنت وہ قرطبہ کے عالم تھے, اور اس کے بعد جناب اصابہ حافظ ابن حجر ہے, اور اس دلغابہ ابن اسیر جزری ہے, اور بہت سے اس کی کتابیں ہیں جو اتنی مشہور و معروف نہیں ہیں. تو ان سب میں متفق علیہ ایک حدیث ہے, اور وہ یہ کہ ان الجنۃ لتشتاق الی ثلاثہ, سلمان و ابی ذر والمقداد. یعنی ایک مسلمان تو مشتاق جنت ہوتا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تین ہستیاں وہ ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے. اور اب ماشاء اللہ صاحبان نظر و فکر ہیں اور صاحبان فہم ہیں کہ جنت وابستہ ہوتی ہے آخری انجام سے. جب پیغمبر نے کہ جنت تین کی مشتاق ہے, وہی تین سلمان ابو ذر اور مقداد ان کی مشتاق ہے, تو بس یہ تو ضمناً بات آ گئی ہے, اس کو پھیلانا تھوڑی ہے. میں کہتا ہوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کانٹا دے دیا ہے حق و باطل کا مسلمانوں کے ہاتھ میں, کہ دیکھو میرے بعد جب کوئی دوراہا آئے تو یہ دیکھو کہ یہ کدھر ہیں. اب سب سے بڑی ذات اللہ کی, اور میں نے کہا اللہ کی معرفت واجب, لیکن اللہ کی معرفت کے لیے خود قرآن مجید نے کیا ذریعہ اختیار کیا ہے؟ اس نے وہ سقراط اور ارسطو کی دلیلیں نہیں پیش کی ہیں. فلسفے کے دور و تسلسل میں قرآن نہیں پڑا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ اگر اسے سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے آثار عملی کو دیکھو, اس کی صنعتوں کو دیکھو, اس کی کاریگریوں کو دیکھو, یعنی آثار کو دیکھ کے اس کا پتہ لگاؤ. اور میں کہتا ہوں کہ آج جو علوم و فنون ہے, جب دنیا اس کی دعوے دار ہے کہ ہم کسی بات کو بے دیکھے نہیں مانتے, تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی آپ ہر چیز کو دیکھ کے مانتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے تھرمامیٹر لگایا, کہا اتنے ڈگری بخار ہے, کیا
क्या उसका बुखार इस थर्मामीटर में आ गया है और वो दिखाई दिया है? हुजूर वाला, उसका असर आपको मालूम है कि जब इतने दर्जे बुखार होता है तो पारा यहां तक पहुंचता है, वो तलाजुम आपको मालूम है। तो इसलिए असर को देख के मुअस्सिर को समझते हैं। हकीम साहब नब्ज देखते हैं तो वो उसका बुखार सिमट के नब्ज में भी नहीं आता है, और नब्ज को भी देखते थोड़ी हैं, हाथ कलाई पर रखते हैं, महसूस करते हैं रफ्तार को नब्ज की। उन्हें अपने फन के लिहाज से वो ताल्लुक मालूम है जो बुखार को नब्ज की रफ्तार से होता है। तो नब्ज की रफ्तार बताती है, तो आप किसी चीज को देख के नहीं समझते, हर एक के आसार देखते हैं और उस आसार से आप कहते हैं मैंने देखा। तो हम कब कहते हैं कि खुदा को बेदेखे मानो, उसे भी आसार को देखो, उसे तो उसकी मारिफत का जरिया यही कि उसका काम देखिए, उन कामों के से समझिए कि वो जात कैसी होगी जिसने ऐसे काम अंजाम दिए। कुरान मजीद ने अपने पैगंबर के औसाफ को बयान करने के लिए कि ये रसूल कैसा है, इस आयत में यही तरीका इख्तियार किया है कि वो काम बताए हैं जो खुदा की तरफ से इनके जिम्मे हैं, और उसके बाद जहन इंसानी पर बार डाला है कि अब सोचो कि इन कामों के लिए कैसा हो चाहिए। जब उसने ये काम इनके सिफूर किए हैं तो अब उस जात का अंदाजा करो जिसके सिफूर अल्लाह ने ये काम किए हैं। तो अब ये इस आयत कुरान मजीद की खसूसियत यह है कि इसमें उन कामों की तफसील दर्ज है जो खालिक की जानिब से खातिमुल अंबिया सल्लल्लाह। तो उनमें से पहला काम तिलावत आयात, उसकी किताब की तिलावत करना, आयात इलाही की तिलावत करना। दूसरा काम, अब वो बाद आयतों में वो बात को है, ये पहले फर्क नहीं होता, नफूस को पाक व पाकीजा बनाना, उसका आज मैं तर्जुमा किया सुधारना, यही लिखा भी है मैंने तर्जुमा। तो नफूस की इस्लाह करना, जिन लफ्जों से कही, ये एक। दूसरा काम, तीसरा काम, उस एक में दो काम हैं, लफ्जें एक हैं मानी के लिहाज से दो हैं, एक किताब की तालीम देना और चौथे हिकमत की तालीम देना। युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, तो एक काम हुआ तालीम किताब और एक काम तालीम हिकमत, ये चार काम उसने अपने रसूल के जिम्मे किए हैं। मैं कहता हूं कि इन्हीं कामों से एक बहस का फैसला हो जाता है। अगर कुरान काफी होता तो फरीज़े रसूल बस यतलू अलैहिम आयाती ही पर खत्म हो जाता। जब तिलावत आयात कर दी तो वो किताब पहुंच गई, अब वो काफी है। अब इसके आगे रसूल का कोई और काम हो नहीं नहीं चाहिए था, मगर यहां और आगे बढ़ी बात, ये तो गोया अबजद है तालीम रसूल के निसाब की। यतलू अलैहिम आयाती ही, ये उसके आयात की तिलावत करते हैं,
उसके बाद ये है कि युजक्की हिम, उनके नफूस को पाक व पाकीजा भी बनाते हैं, ये दूसरा काम हुआ ना। और फिर तीसरा काम इन्हीं के जिम्मे है कि ये तालीम देते हैं किताब की। अब ये किताब कोई और है, वही तो किताब है जिसकी आयतें ये सुनाते थे और जिस वक्त सुना रहे थे उस वक्त सब अहले ज़बान थे, सब अरबी ना खुद अरब। इसके बावजूद तिलावत किताब की करते हैं, उसकी आयतों को पढ़ते हैं और फिर तालीम भी देते हैं। इसके मानी ये हैं कि अहले ज़बान जो अरब थे वो भी बगैर तालीम रसूल के कुरान को नहीं समझते थे। उन्हें देख के समझते हैं कुरान समझ गए, इल्म कुरान हासिल हो गया। अभी दो दिन की बात है, एक साहब ने तशरीफ लाए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तफसीर कुरान लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि आप अरबी से वाकई का जी नहीं, अरबी से वाकई नहीं है तफसीर कुरान लिख रहे। तो मैंने कहा कि वो कुरान की तफसीर नहीं होगी, तर्जुमों की तफसीर होगी। साहब ये भी एक रुझान बहुत बड़ा हो गया है कि बस कोई माशाल्लाह प्रोफेसर है तो अब वो तफसीर कुरान भी लिख सकता है, कोई माशाल्लाह मसलन और कुछ है तो वो तफसीर कुरान भी लिख सकता है। तो जिस जबान में कुरान नाजिल हुआ है उस जबान से बिल्कुल वाकिफ नहीं है और फिर उसकी तफसीर करने का हक रखता है। तो वो जो अहले जबान थे वो भी बगैर रसूल की तालीम के नहीं समझते थे, और किताब की तालीम हो गई तब भी कुछ रह गया जिसके लिए चौथा क्लास हिकमत का कायम हुआ। ये हिकमत को फलसफा ठोली है जिसके अरस्तु वगैरह वाकिफ थे। ये हिकमत वो है जो असरार किताब है, जो रमूज किताब है। और अब ये चार आखिर दर्जे क्यों करार दिए गए, इसके मानी ये हैं कि ये तालिब इल्मों की सलाहियत के लिहाज से है। एक क्लास तो आम है और वो तिलावत किताब का है, इसमें तो मोमिन और काफिर की भी तफरीक नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौराहों पर खड़े होके गया, कुरान के आयत सुनाते हैं, काबे में जाके जितने वहां के गिर्द पेश लोग हैं उनको कुरान पढ़ के सुनाते हैं। तो अब इसमें तो देखा नहीं जाता कौन सुन रहा है, जो सुने, और अगर सुनाए ना तो हुज्जत क्यों कर कायम हो। फिर काफिर पर कुफर का इल्जाम क्यों कराए, फिर उसे सजाए कुफर किस तरह मिले। लिहाजा वो दर्जा तालीमी तो आम है। अब जब वो आपने कुरान पढ़ के सुनाया तो उससे कुछ ने असर लिया, कुछ ने असर न लिया। जिन्होंने बिल्कुल असर न लिया वो काफिर के काफिर रहे। तो अब जब उन्होंने इस्लाम कबूल ही न किया तो फराइज रसूल उनकी निस्बत खत्म हो गए। इसके मानी है कि मदरसा हिदायत रसूल से उनका नाम खारिज कर दिया गया। लेकिन अब जिन्होंने के असर कबूल किया यानी मुसलमान हुए, अब वो दूसरे क्लास में दाखिल किए गए जो है तज़किए नफूस का। क्या अब इनके नफूस की इस्लाह करो, अब वो सब इबादत के अहकाम तज़किए नफूस के लिए हैं। और इसीलिए नमाज का हुक्म दिया जाता है तो कहा जा रहा है कि मोमिनीन पर नमाज, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताब मौकूता। नमाज मोमिनीन पर एक फर्ज है जो बेतबारे औकात मुकर्रर है।
روزے کا حکم دیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے صاحبان ایمان تم پر روزہ فرض ہے. اب ہر جگہ پکارا جا رہا ہے جو اس کلاس کو پاس کر چکے ہیں, اور وہ ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا میں کم سے کم بقلے میں خود داخل ہیں. اب ان کے لیے یہ فریضہ ہو گیا, ان کو احکام دیجئے ان کے نفوس کے تزکیے کے, جو سامان ہیں ذرائع ہیں وہ انہیں بتائیے اور سکھائیے, تو فریضہ رسالت ان کے لیے آگے بڑھا. یزکیہم, کہ یہ ان کو تزکیے نفوس بھی کریں, ان کے نفوس کی اصلاح بھی کریں. اب جب پہلے کلاس میں ہر ایک نے دیکھ لیا کہ ہر ایک نے اثر قبول نہیں کر لیا, ارے اگر ہدایت پیغمبر میں ایسی کیمیاوی تاثیر ہوتی کہ جبری طور پر تبدیل حیات کر دے, ماہیت بدل دے, تو فوراً سب مومن کیوں نہ ہو جاتے؟ معلوم ہے کہ جیسے ہدایت الہی میں جبر کار فرما نہیں ہے ورنہ کافر کا وجود نہ ہوتا, ویسے ہی ہدایت پیغمبر میں وہ کیمیاوی اثر نہیں دیا گیا ہے کہ ایک دم سننے والا بدل جائے. جبھی تو سننے کے بعد بھی کچھ مسلمان ہوئے, کچھ نہیں ہوئے. تو جب پہلے فیض میں, پہلے درجہ تعلیمی میں, پہلے کلاس میں ہم نے دیکھ لیا کہ کچھ نے اثر قبول کیا, کچھ نے نہیں قبول کیا, تو دوسرے میں یہ تصور کہاں صحیح ہوگا کہ اب جب مسلمان ہو گئے تو پھر سب برابر کے ہو گئے؟ بلکہ اب اس کلاس میں بھی کچھ پر پورا اثر ہوگا, کچھ پر ناقص اثر ہوگا, کچھ پر بالکل نہ ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے خطبے میں شریک ہوتے ہیں, نماز کے بعد حضرت کی تقریر سنتے ہیں, اگر بحمد اللہ مسلمان نہ ہوتے تو نماز جماعتی میں کیوں شریک ہوتے, اگر مسلمان نہ ہوتے تو پھر خطبہ رسول کا کیوں سنتے؟ مگر جو ہی وہاں سے اٹھتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے, کوئی روایت تھوڑی بیان کر رہا ہوں, کہ فوراً آپس میں کہتے ہیں یہ ابھی کیا کہا تھا. قرآن کی لفظیں یہ ہیں, ماذا قال آنفاً, ارے یہ ابھی کیا کہا تھا, ارے بھائی خود سن رہے تھے دوسرے سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ ابھی کیا کہا تھا؟ معلوم ہوتا ہے اچاٹ ذہن کا طالب علم ہے کہ کلاس میں بیٹھتا ہے مگر ذہن کہیں اور ہوتا ہے. کر رہا ہے اس معزز گروہ کا جو کہ پیغمبر کے آس پاس ہے اور سن رہا ہے حضرت کا خطبہ, کہ اسی وقت پوچھ رہے ہیں ابھی کیا کہا تھا, یعنی ابھی سنا تھا ابھی بھول گئے کہ کیا کہا تھا, سمجھے ہی نہیں کہ کیا کہا تھا. تو اب بتائیے ان پر اثر ہوگا؟ تو اب جب اثر نہ ہوا تو فریضہ رسول ان کی نسبت ختم ہو گیا. اب وہ تیسرے کلاس میں جو علم الکتاب کا ہے اس میں داخل نہیں کیے جائیں گے. اب یہ لفظیں یاد کر لیں مگر معنی ہے کتاب وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے. علم الکتاب کے کلاس میں یہ داخل نہیں کیے گئے اس لیے کہ اس کے پہلے ہی کلاس میں فیل ہو گئے. اب وہ لوگ جن کو تعلیم کتاب دی اور انہوں نے علم الکتاب سے فیض حاصل کر لیا, اب وہ اس لائق ہوں گے چنے ہوئے چند اشخاص کہ انہیں رموز کتاب بتائے جائیں, انہیں اسرار کتاب بتائے جائیں. وہ چوتھا درجہ حکمت جسے قرآن نے کہا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جسے حکمت عطا ہو گئی اس کو بہت بڑا خیر مل گیا. صلوات بھیجیے والے اللہ. مجھے ایک اور مکتب خیال یاد آ گیا,
وہ مکتب خیال ہے جو کہتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت. میں تو معاذ اللہ ہی رہ کے کہوں گا کہ آپ کی حیثیت معاذ اللہ ایک چٹھی رساں کی تھی. ارے وہ خدا کی کتاب ہے, ان کے نزدیک چٹھی ہے, تو وہ بس خدا کی کتاب پہنچا دی. چٹھی رسانی کا کام ان کے ذمے تھا. تو میں کہتا ہوں یہ اسی وقت پھر کسی حد تک صحیح ہوتا جب فریضہ یتلو علیہم آیات ہی پہ ختم ہو جاتا. تلاوت آیات کر دی, چٹھی پہنچا دی, اب جا کے اطمینان سے گھر بیٹھے. مگر ان کا کام تو ختم نہیں ہوا. قرآن نے کہا یزکیم, یہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں, تو کیا چٹھی رسا کا کام یہ بھی ہے کہ وہ ہر گھر پر جا کے پوچھے کون اس میں سچ بولتے ہیں کون جھوٹ بولتے ہیں, کون امین ہے کون خائن ہے, کون نمازی ہے کون غیر نمازی ہے, کیا چٹھی رسا کا یہ کام بھی. اس کے بعد یہی نہیں بلکہ علم الکتاب کے بھی بتانے کی ذمہ داریاں ہیں. اب جناب چٹھی رسا تو بعض وقت اس زبان کو بھی نہیں جانتا جس زبان میں کوئی خط لکھا گیا ہے, تو کیا کبھی چٹھی رسا کو روک کے آپ کہیے گا کہ ارے بھائی یہ خط پہنچے بھی تو جاؤ؟ وہ کہے گا میرا کام چٹھی کا پہنچانا تھا, میرا کام اس خط کو پڑھنا تھوڑی تھا. مگر خالق کہہ رہا ہے کہ یعلمہم الکتاب, ارے یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں, علم الکتاب بھی ان کے ذریعے سے ملے گا. اور اب اتنا ہی نہیں بلکہ اب اس چٹھی رساں سے پوچھئے کہ اصل مطلب لکھنے والے کا کیا ہے, اس کے راز بھی بتائیے, اس کے رموز بھی بتائیے. تو بتائیے برائے خدا, ارے کتاب کو کافی سمجھتے ہیں تو جتنا کتاب میں ہے اسے تو مانیے. پھر میں نے آواز سے سوال لگا دی, لیجیے اب ایک اور مکتب خیال یاد آ گیا. وہ بات ایک ہی ہے, اس کو غلاف لپیٹ لپیٹ کے پیش کیا جاتا ہے, کبھی کسی نعرے کی صورت میں کہہ دیا, کبھی کوئی فلسفہ بنا کے کہہ دیا, وہ ایک ہی بات ہوتی ہے. تو جناب اب وہ مکتب خیال جو پہلے ادھر تھا اب ادھر ہے, اور اسی طرف اس کی نشر و اشاعت بھی ہے کہ جناب والا ماخذ دین بس کتاب ہے سنت نہیں ہے. ہے وہی بات, کتاب کافی ہے. یہ وہی نعرہ ہے جو پروان چڑھوا ہے مختلف صورتوں میں. تو جناب ماخذ دین بس کتاب ہے سنت نہیں. میں کہتا ہوں اسی ایک آیت سے اس کا بھی فیصلہ. تلاوت آیات کتاب کرتے ہیں, لیجئے کتاب تو پہنچ گئی. اب یہ یزکیہم, یہ تزکیہ نفوس کرتے ہیں. اب وہ الفاظ جس سے تزکیہ نفوس ہوتا ہے وہ کب جزوِ کتاب ہیں؟ وہ تو آپ ہی کے اقوال سے ہوں گے اور آپ کے افعال سے ہوں گے جو سب جزوِ سنت ہیں. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں, یعلمہم الکتاب, یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں. تو اب تعلیم کے لیے جو تشریحات یہ کرتے ہیں وہ جزوِ کتاب ہوتے تو تلاوت میں پہنچنے جاتے. معلوم ہوتا ہے وہ سب بھی ان کے ارشادات ہیں جس کے ذریعے سے تعلیم کتاب دی. اور اس کے بعد حکمت کی تعلیم بھی یہ دیتے ہیں. تو وہ الفاظ جس کے ذریعے سے یا جس طریقوں سے حکمت تعلیم کرتے ہیں وہ بھی جزوِ سنت ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ کتاب تو ایک چوتھائی دین کی حامل ہے. تو جس نے کتاب کو لے کے سنت کو چھوڑا اس نے تین چوتھائی دین چھوڑ دیا, ایک چوتھائی دین.
चार काम हैं जो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। और अब उन चारों में जो तरतीब मैंने बताई कि वो एक क्लास है जिसमें वो सब हैं, और उसके बाद वो क्लास है, उसके बाद और छठा मजमा तो तीसरा क्लास है, और कम हुआ तो चौथा क्लास है। तो ये तरतीब ये क्यों कर होगी, यानी मुअल्लिम की सूझबूझ पर है कि अब पहले क्लास का उसने देखा किन पर असर हुआ किन पर नहीं हुआ। तो अब एक फरीक एक तबके को छांट दिया जिस पर कुछ असर नहीं हुआ, उनको ले लिया जिन पर असर हुआ, अब दूसरा क्लास शुरू किया तो ये देखा किन पर असर हुआ किन पर नहीं हुआ, और जिन पर असर हुआ उनको मजीद तालीम के लिए मुंतखब कर लिया, औरों को छोड़ दिया जो तीसरे क्लास को पास कर चुके, उनको देखा किन पर पूरा असर हुआ किन पर नाकिस हुआ, उस लिहाज से वो चौथा फैज यानी तालीम में हिकमत देना शुरू की। मालूम हुआ कि ये सब कुछ पैगंबर की सूझबूझ से वाबस्ता है। और याद रखिए किताब बेजबान है, वो इस सूझबूझ को नहीं रख सकते। अब ये जो काम पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफूत किए, तो इतने से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मौजू कितना वसी है। और खैर अब वो अब मालूम हुआ यहाँ से जाके, कल तो मैंने बिला तकल्लुफ कर दिया था कि ये तीन मजलिसों का सिलसिला है, मगर बाद में मालूम हुआ कि एक मजलिस चांद पर चांद से वाबस्ता है कि चांद हो तो फिर वो घट जाएगी मजलिस, और चांद न हो तो बह जाएगी। तो अब ये समझा नहीं जा सकता यकीन के साथ कि कल यहाँ मजलिस है या कहीं और कहीं तो आई, यानी मैं तो बचूंगा नहीं, वो चांद हो या न हो तो मुझे तो बयान करना है, लेकिन अब यहाँ बयान करना है या कहीं और। हाँ अभी तक इंशाल्लाह तक के तौर पर कहिए, क्योंकि सुना है मतलब साफ नहीं था, लिहाजा कहीं और से तिला सकती है, बाद में सबूत हो सकता है। तो जैसे रोजे की नियत कर लेते हैं, चांद ईद का साबित हो गया तो तोड़ दिया जाता है, वैसे ही बस इंशाल्लाह फैसला कायम होगा बानियान मजलिस कर। जाहिर है दिल यही चाहता होगा, दुआएं उनकी यही होंगी कि यही हो। तो अब ये जो अब मेरे लिए तो यह है कि अब मैं ये समझूं कि आज मुझे ख़त्म करना है मौजू या कल ख़त्म होगा। बहरहाल वो बेहमदिल्ला वसात उसमें इतनी है कि वो आठ दिन और हो तब भी सिलसिले बयान जारी रह सकता है। तो अब ये बहरहाल अब तो पहले यही समझ के कहूँ कि शायद आज ही मुकम्मल हो जाए, नहीं कल फिर इंशाल्लाह उसकी तकमील होगी। तो ये जो चार काम से सिफ़ किए गए, तो पहला काम इनमें देखिए कितना अहम है, फिर बाकी काम तो बाद को है। तिलावत आयात ये बज़ाहिर तो हमारे नज़दीक बहुत आसान है, हम कुरान उठाते हैं पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब खालिक किसी को मुकर्रर करे अपने आयात की तिलावत के लिए, तो तिलावत किसे कहते हैं? वही अल्फाज जो नाजिल शुदा हैं उन्हीं को पढ़े तब तिलावत होगी। तर्जुमा मैं पढ़ के सुनाऊं तो वो तिलावत होगा? ये ईसाइयों का तसव्वुर है कि हर जबान वाली बाइबिल है, हमारे नज़दीक तो ये तसव्वुर नहीं है। असली कुरान तो वही है, ये सब तर्जुमे हैं। तो ये तर्जुमा सुनाना होगा
तिलावत तो ये नहीं होगी। क्यों? इसलिए जबान बदल गई, वो अरबी थी, उर्दू हो गई या कोई और जबान हो गई। अच्छा, जबान भी वही रहे लेकिन लफ्जें बदल जाएं। बासा के बजाय अरसला हो जाए, मुझे मालूम है दोनों के मानी वही होंगे, भेजा तो। अगर लफ्जें बदल जाएं तो जबान वही रहे अरबी, तब भी आप कहेंगे तिलावत नहीं। अब ये नियत पर है, या वो तशरीह होगी या तहरीफ होगी। लफ्जें बिल्कुल वही रहे, तरतीब बदल जाए आयत के लिए तरतीब। फौज ऐसा भी नफसी खीफत मूसा। अब माशाल्लाह साहिबान इल्म मौजूद हैं कि अरबी कवायद में फेल के बाद पहला दर्जा फाइल का है, फिर मफूल का दर्जा होता है। तो अब कोई उस्ताद तालिब इल्म को बताने के लिए यूँ कहे कि इसका मतलब है फौज ऐसा फी नफसी ही खीफत मूसा, इसका मतलब है फौज ऐसा मूसा खीफतन फी नफसी ही। कोई लफ्ज़ न घटी है न बढ़ी है, बिल्कुल वही लफ्ज़ हैं जो आयत में थी। सिर्फ मूसा अपनी जगह से हट के दूसरी जगह चला गया, तो अब ये तिलावत होगी। हालांकि जबान भी वही, लफ्ज़ भी वही, मगर नहीं, हमने समझाने के लिए उलट फेर कर दिया, तो अब वो तिलावत नहीं होगी। तो फिर तिलावत क्या है? तिलावत यह है कि अल्फाज इलाही वही उसी तरह खल्क तक पहुंच जाए। तब होगी तिलावत। फर्ज कीजिए किसी से मैंने कहा कि मेरा ये पैगाम फुला साहब को जाके कह दीजिए, ये पैगाम पहुंचा दीजिए। और देखिए इसी इन्हीं लफ्जों में कहिएगा। अब वहां तक जाते जाते बेचारे एक लफ्ज भूल गए, मगर मतलब समझ लिया था, इसलिए फौरन जहन ने दूसरी लफ्ज वहां मौजू कर दी और जाके कह दिया कि उन्होंने ये पैगाम दिया। अब पैगाम देने वाले को अगर पता नहीं चला तो खैर, और अगर ये वापस आए उनका क्या कहा था, अब इन्हें वो अपनी लफ्जें याद थी, कहा मैंने ये कहा था, उनका मैंने ये तो नहीं कहा था, मैंने तो यूं कहा था, तो वो तस्दीक नहीं करेंगे कि मेरा कलाम पहुंचाया। अब ये देखिए कि ये रसूल नहीं फरमा रहे हैं कि मैं तिलावत करता हूं आयात खुदा की, जिसका कलाम है वो कह रहा है कि ये हमारी आयतों की तिलावत करते हैं। और फिर माशाल्लाह साहिबान इल्म मौजूद है, माजी का सीगा नहीं है जो एक वाकये खास का पता दे कि इन्होंने हमारी आयतों की तिलावत कर दी, बल्कि मुजारे है जो तजद्दुद व इस्तिमरार का पता देता है, ये हमारी आयतों की तिलावत करते हैं, यानी इनका तरीका यही है, इनकी शान यही है, इनका शेवा यही है कि हमारी आयतों की तिलावत करते हैं। इसमें माजी भी दाखिल, इसमें हाल भी दाखिल, इसमें मुस्तकबिल भी दाखिल, सब जमाने दाखिल। वो तस्दीक कर रहा है कि ये हमारी आयतों की तिलावत करते हैं, न उसमें कमी होती है न ज्यादती होती है, न इधर का उधर होता है। मैं कहता हूँ अगर कोई दलील अकली न होती, कोई दलील नकली न होती, तो ये एक जुज आयत का रसूल के सहव निस्यान से बरी होने के लिए था। तो ये एक जुज यतलु अलैहिम आयातिही में कितनी रिफत है, कितनी बुलंदी है। और उसके बाद जो जक्की हिम
उनके नफूस को तज़किया करता है। अब मुझे तो एक एक लफ्ज़ को कहना है कि आज कम से कम लफ्ज़ों की मुख्तसर तशरीह हो जाए। नफूस का तज़किया करता है तो कोई दूसरे तक पहुंचाई नहीं जा सकती सिफत, जब तक खुद एक उस सिफत का हामिल न हो। तो वो खालिक कह रहा है कि ये दूसरों के नफूस को ताहिर करता है, पाक करता है। तो ये युज़क्कीहिम, ये तन्हा युज़क्कीहिम खुद एक आयत तथीर है। सलावत भेजिए बेलना। ताहिर करता है, पाक करता है। तो ये युज़क्कीहिम, ये तन्हा युज़क्कीहिम खुद एक आयत तथीर है। सलावत भेजिए बेलना। ये इसकी तस्दीक है कि इनका नफ्स पाक है, उसके मेयार पर पाक है। और अब यहां जनाब पाक करेगा नहीं है कि कोई समझे कि कुछ है जब तो पाक किया, यहां पाक करेगा नहीं है, पाक है। सलावत भेजिए बेलन। और उसके बाद ना युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, उन्हें किताब और हिक्मत की तालीम देते हैं, किताब की तालीम देते हैं। वो एक काम और हिक्मत की भी तालीम देते हैं, वो दूसरा काम। और उन्हें किन्हें कब तक के लिए? रसूलन, रसूल भेजा है तो जब तक के लिए रिसालत है, तब तक इनके जिम्मे तालीम है किताब भी और तालीम है हिकमत भी। तो अब ये मुअल्लिम है नौए इंसानी के, कब तक? जब तक रिसालत, और रिसालत है पैगंबर कब तक? हाँ, वो एक दफा तो ये कह चुका हूँ शायद कभी के आवाज यही आई कि कयामत तक। मगर मैं कहता हूं कि ये कयामत कहना भी हमारे हुदूद ताबीर की कोताही है। कौन कहता है कि कयामत के आने से इनकी रिसालत खत्म है? अगर अगर कयामत के आने से रिसालत खत्म है तो शफात किस एतबार से कयामत की कैद लगाना मेरे नजदीक दुरुस्त नहीं है। रिसालत तो ला महदूद, मगर हाँ तालीम उसे कह लीजिए कि ता क़यामत इनके जिम्मे। क्योंकि जब तालीम हासिल करने वाले नहीं रहे तो अब क्लास किन के लिए रहे? तो तालीम है किताब और हिकमत ता क़यामत। अब माशाअल्लाह मजमे में जब सब, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, वो आवाम बिल्कुल नहीं है बल्कि उलमा हैं, तालीम याफ्ता अफराद हैं और तालिब इल्म भी यकीनन। ये एक खुशगवार इनकलाब है जो मुझे हिंदुस्तान में भी महसूस हुआ है और मैंने मिंबर पर उसका इकरार किया और यहाँ भी, कि एक वक्त ऐसा था कि मजालिस में सिन रसीदा अफराद ज़्यादा होते थे और नौजवान नौजवान कम होते थे। तो ये बड़ा खुशगवार इनकलाब है जो मुस्तकबिल नेक का दीन के लिए खबर देता है। मैं दीन के मुस्तकबिल से मायूसीन में नहीं हूँ बल्कि मैं रजाइयत का हामी हूँ। दीन वो ख़त्म होगा जो अक्ल का साथ न दे सके। तो इसलिए नौजवानों जवानों को, और ज़ाहिर है कि तालिब इल्म जो होंगे वो नौजवान नौजवान ही ज़्यादातर हो सकते हैं, तो सबको मैं मुखातब करूँगा कि
मुअल्लिम किसी क्लास का जो वो कैसा होना चाहिए, किसी स्कूल या कॉलेज का मुअल्लिम कैसा होना चाहिए। अब उसकी ज़ात शुरू करूँ कि अगर मुअल्लिम ऐसा है कि एक 6 महीने तक तो बच्चों को इस पढ़ने की ज़रूरत होती है और 6 महीने के बाद वो इसके बराबर आ जाते हों और 2 महीने के बाद इससे ज़्यादा समझने लगते हों, तो ये मुअल्लिम इस लायक है कि इस दर्जे का मुअल्लिम हो? सब समझ गए कि नहीं? इस लायक नहीं हो सकता। अब अगर किसी मुअल्लिम से मसलन 5 बरस तक की तालीम मुतालिक है, अब सुना है कि वो सिलसिला नहीं रहा है, एक वक्त में यक मुअल्लिमी स्कूल होते थे कि बस एक उस्ताद है, अब जो भी तालिब इल्म आएगा किसी भी क्लास का हो वो उसको उसी से पढ़ना पड़ेगा, और यूँ भी हो सकता है कि किसी साल कोई मजमून उसे पढ़ाना हो किसी दर्जे का, किसी साल कोई मजमून गरज, अब फ़र्ज़ कीजिए कि 2 बरस 3 बरस 4 बरस उससे साबिका रहना है तालिब इल्मों को, तो ये अगर ऐसा हो कि बस साल भर तक तो पढ़ा सके और साल भर के बाद तालिब इल्म बराबर आ जाता हो फिर बख जाता हो तो वे इस लायक है? अब खाम खां खिताबत में आपका बहुत ज़ाहिर थोड़ी करना है कि अभी 1 साल से मैं 5 बरस पहुँचा हो, 5 बरस से 10 बरस, 10 से 20, अब एक उसूल कायम हुआ और वो उसूल ये कायम हुआ कि जितने भी ज़माने तक के लिए कोई मुअल्लिम हो जितनी मुमकिन तरक्की तालिबे इल्मों के दिमागों की उतने ज़माने में हो सकती है उससे बालातर होना चाहिए मुअल्लिम को। जब वो मुअल्लिम बनाया गया है उसी वक्त, वरना वो मुस्तहिक नहीं है कि मुअल्लिम बनाया जाए। अब जिसे खालिक ने क़यामत तक के लिए मुअल्लिम बनाया हो तो बर बिनाए उसूल तालीमी कायल होना पड़ेगा कि आलिमुल गैब खुदा के इल्म में जितनी इम्कानी तरक्की नौए बशर की क़यामत तक है उससे ऊंचा था वो मुअल्लिम जिसे उसने मुअल्लिम बनाया है। अब सलवात भेज दीजिए दरमियानी में। अब इंसान रोज़े क़यामत तक कितनी तरक्की कर सकता है वो हम और आप इस वक्त समझ भी नहीं सकते। अरे जिस लाइन में तरक्की कर रहा है तो जहन की तरक्की, चाहे मसरफ गलत हो तो तरक्की का इनकार तो नहीं किया जा सकता। तो इंसान कितनी तरक्की कर सकता है उसकी रफ्तार यह है कि उसको हम समझ नहीं सकते कि 10 बरस बाद क्या होगा और 20 बरस बाद क्या होगा, जबकि हमारा मुशाहदा है कि एक वक्त में 50-60 बरस पहले मसलन कहा जाता कि यहाँ से बैठ के और तुम दिल्ली की आवाज़ सुनोगे तो कोई न मानता, और आज तो रास्ता चलते में दुनिया भर की आवाज़ें। अरे किसी वक्त तो चाय खानों में होटलों में जाने की जरूरत थी और अब तो जी साथ साथ लिए फिरते हैं और जहाँ हैं वहाँ आवाज़ें सुन रहे हैं दुनिया भर की, और इसे शायद 20-25 बरस पहले कहा जाता बल्कि और 10 बरस कि अरे आवाज़ ही सुन रहे हो यहीं से वहाँ का मंजर भी देखोगे, तो इसे शायद 10-20 बरस पहले न कहा जाता न समझा जाता, कहने वाले को दीवाना कहा जाता, लेकिन अब तो वो भी कुछ दिन पहले तो ज़रा कामयाब था बाद घरों में था, अब तो तकरीबन हर घर में ये भी हो गया
कि यहाँ से बैठ के पूरा मंजर भी वो देखिए, चाहे देखने का हो चाहे ना देखने का हो वह अलग बात है। तो ये अभी 10 बरस पहले समझ में बात नहीं आती, तो अब जब रफ्तार तरक्की ये है तो 10 बरस बाद क्या होगा और 20 बरस बाद क्या होगा और फिर 100 बरस बाद क्या होगा, उसे कौन अंदाजा कर सकता है। लेकिन मुझे तो कुछ आसानी इसमें महसूस हुई कि मैं इस पर गौर करूं कि ये तरक्कियां जो हो रही हैं और बहुत सी हो चुकी हैं और आइंदा भी होंगी, ये किन लाइनों पर हो रही हैं, किस चीज़ में ये तरक्कियां हो रही हैं। तो मेरी तो ये समझ में आया कि ये तमाम तरक्कियां 2 चीज़ों में हो रही हैं, एक सुरत रफ्तार और एक शिद्दत इख्तिसार। महीनों की मसाफत हफ्तों में तय होने लगी और फिर हफ्तों की मसाफत दिनों में तय होने लगी और उसके बाद दिनों की मसाफत मिनटों में तय होने लगी, और कौन कह सकता है कि वो सानियों में और दकीकों में न तय होगी। और बहुत से काम जो एक जमात मिलके बहुत अरसे में करते वो अब थोड़े दिन में मशीनों की मदद से हो जाते हैं। तो तमाम तरक्कियां 2 चीज़ों में, सूरत रफ्तार और शिद्दत इख्तिसार। तो जो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है उसके वाकयात हयात में कोई मिसाल ऐसी होना चाहिए थी कि दुनिया लाख तरक्की कर जाए फिर भी पीछे रहे, आगे ना जा सके। और वो इससे बढ़ के क्या होगा कि जाकर हो आए और जंजीर दर हिलती रहे। और याद रखिए कि जब वो दुनिया में तशरीफ लाए थे तो इस वक्त इंसान के सिमते सफर 4 थी, मगरिब मशरिक जुनूब शिमाल। अगर उसी वक्त के मुअल्लिम होते तो वह इसी दुनिया में घुमा फिरा के पहुंचा दिए जाते, मगर भेजने वाले को मालूम था कि इंसान की सिमते सफर बदलेगी। ये चांद तक पहुंचेगा और सितारों तक पहुंचने की कोशिश करेगा, और कौन कह सकता है कि कभी नहीं पहुंच जाएगा। जब चांद तक पहुंच गया तो और सितारों तक भी पहुंच सकता है। तो अब सिम से सफर उधर हो गई, तो जिसे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है उसे चाहिए, लाजिम था कि उधर इतनी दूर तक पहुंचा दिया जाए कि अब लाख इंसान ऊंचा जाए फिर भी पीछे रहे, आगे न जा सके। तो इंसान चांद तक गया है, जिसे हमारे पुराने रियाजी वाले कहते हैं फलक उस दुनिया पर है, फलक उस दुनिया ने सबसे नीचे का आसमान जो बस हमारे ऊपर है वहां चांद है, वहां तक अभी ये इंसान की परवाज हुई है। मगर इसके आगे अब चाहे जहां जाए, सितारे मरीख तक जाए, जोहरा तक जाए, उतारत तक जाए, अब मैं कहता हूँ सितारे जुहल तक पहुंच जाए जहां तक अभी तक तखय्युल भी नहीं हुआ है। सितारे जुहल सबसे ऊंचा है इनमें, तो वहां तक भी पहुंच जाए, लेकिन जिस सितारे पर भी पहुंच जाए, जिस सैयारे पर भी जाए, तो मैं कहूंगा कि वो हमारे रसूल का रौंदा हुआ रास्ता है। और आप इस मौजू के मुश्ताक तो बहुत रहते हैं और फरमाइशें भी होती हैं, मगर अभी तक जब से आ रहा हूँ कराची में यहाँ हमेशा एक एक झलकी उस मंजिल की लोगों के सामने मेरे बयान में आती रही है। तो बस आज इतना ही सही, फिर कभी और कोई जुज सही
मगर एक बड़ी बहस है, मैं कहता हूँ उसका तस्फिया इससे हो जाता है, इसी से, इतने ही से हो जाता है। मैंने जो अकली जरूरत मेराज की अर्ज की है, तो वो अब गौर कर लीजिए कि ये जो चांद तक गए हैं, ये अगर रूहानी तौर पर गए हों तो मेराज रूहानी मान के बात बन जाएगी, और अगर ये सब जिस्म समेत गए हों तो अपने रसूल को इनसे पीछे न समझिए। अब ये मंजिल थी इनकी जो अफजलुल मुरसलीन करार दिए गए, खातिमुन नबीयीन करार दिए गए, और इनका मर्तबा तमाम रसूलों में सबसे अफजल व बरतर हुआ। और आम तौर से तो जहन में आता होगा कि यहाँ से बाबे मसाहिब बहुत दूर है, मगर इनके फजाइल व मसाहिब इतने दस्त व गरेबा हैं कि मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई है मुंतकिल होने में। तो यही वो हकीकत है जिस पर पूरी बुनियाद जनाब शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी की किताब सिर्रुश शहादतैन की कायम है। साहिबान इल्म व तालीम याफ्ता हज़रात भी जानते होंगे कि ख़ानदान वलीउल्लाह को इस वक्त मुसलमानों में एक ख़ास अजमत और अहमियत हासिल है, और ये उनके औलाद में शाह अब्दुल अजीज़ देहलवी सबसे मुमताज फर्द थी। और उनके तारुफ के लिए ये काफ़ी है यहाँ के साहिब तोहफ़े इसना शरिया, यानी इस किताब के मुसन्निफ़ हैं, जिसके नमन कितने एडिशन छप रहे हैं यहाँ। तो ये इनकी एक किताब है सिर्रु शहादतें, कि जितने शहादत नामे हैं इस वक्त चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ, सबका माखज सबकी बुनियाद इस पर कायम होती है। उसी वक्त तर्जुमे हुए ज़िक्र शहादतैन और तकरीर शहादतैन और तहरीर शहादतैन फ़ारसी और उर्दू सब वो किताब अरबी में। तो सिर्र शहादतैन की बुनियाद इसी चीज़ पर है, फजीलत रसूल पर है बुनियाद। तर्जुमा है उसका ज़िक्र सिर्र शहादतैन का कि दो शहादतों का राज। अब अभी तो शायद समझ में ना आए कि दो शहादतों का राज और उसकी बुनियाद फजीलत पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को, मगर वो पूरी किताब की दाग बेल इसी बुनियाद पर है कि हमारे पैगंबर तमाम पैगंबरों में अफजल हैं, और कोई फजीलत किसी रसूल और नबी को नहीं मिली मगर ये कि उसके मिसल या उससे बेहतर हमारे रसूल को फजीलत हासिल हुई। बिल्कुल खुलासा करके उसे अर्ज कर रहा हूँ, इसी को उन्होंने फैला के किताब में बयान किया। तो उन फजाइल में जो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थे, एक फजीलत शहादत भी है। यानी बहुत से अंबिया ऐसे हैं जो राह खुदा में शहीद हुए हैं, उसकी तफसील कुछ उन्होंने बयान की। जनाब ज़करिया का जिक्र किया है, जनाब यहया का जिक्र किया है, और बेहमदिल्ला हमारे मजालिस में इन सब का जिक्र होता रहता है। ये तो असल मरकज़ी मकसद ज़िक्र इमाम हुसैन सलाम है मजलिस का, वरना ज़िक्र इमाम हुसैन सलाम के साथ आदम से लेकर ख़ातम तक तमाम अम्बिया का जिक्र होता है, रसूल का जिक्र होता है हमारे रसूल का यानी, और उसके बाद खुदा का जिक्र वो भी होता है, यानी हुसैन के जिक्र के साथ ये सब जिक्र होते हैं। और अब इसे किसी और मौके पर बयान कर चुका हूँ कि ये हमारे हमारी मजलिसें भी अगर उससे फ़ायदा उठाया जाए तो ये बहुत बड़ा मदरसा है दीनियात का। एक ये जो चीज़ें लोग मदरसे में आके नहीं हासिल कर सकते वो इन मजालिस में हासिल कर सकते हैं। तो ये हकीकत में उन सब का तज़किरा आप सुनते रहते हैं, ज़करिया का भी, जनाब यहया का भी, और अम्बिया का जो शहीद में तो उनका जिक्र किया है। और उसके बाद ये कहा है कि हमारे पैगंबर अगर उन पर किसी दुश्मन का हरबा कारगर हो जाता
और वो उस तरह से नुमाया तौर से शहीद हो जाते, तो अब उनका तसव्वुर यह है कि लोग खौफजदा हो जाते और फिर तरक्की इस्लाम में रुकावट हो जाती। यानी जैसे उनके तहत शुऊर में ये कुछ है कि जो गिर्दोपेश अफराद हैं उनमें खामी है अभी, बहरहाल वो हकीकत है, जहन में है उनके। अब मैं क्या करूं कि उन्हीं का बयान है कि फिर तरक्की इस्लाम रुक जाती है। यानी लोग बहुत से कुछ तवक्कुआत की बिना पर हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कुछ खुशगवार उम्मीदों में हैं, तो अब वो फिर उनको मायूसी हो जाती, तरक्की इस्लाम रुक जाती। अब मैं कहता हूँ इसके कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मुख्तसर ये कि हिकमत रब्बानी इसकी मुतकाजी नहीं थी कि बराह रास्त उन पर दुश्मन का ज़ाहिर बज़ाहिर कोई हरबा कारगर हो, लेकिन अगर ये फजीलत रह जाती फजाइल रसूल में तो इसके मानी है कि आपका दर्जा घट जाता और अंबिया से, लिहाजा मंजूर कुदरत हुआ कि बराह रास्त तो हजरत पर किसी की तलवार किसी का नैजा काम ना करे, मगर ये फजीलत आपके फजाइल में रह भी न जाए। इसके लिए खालिक ने पैगंबर को दो नवासे अता फरमाए और शुरू से ये एहतिमाम किया, चूंकि मंजूर कुदरत ये था लिहाजा ये एहतिमाम किया कि इनकी खसूसियत पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नुमाया से नुमाया तर होती जाए। अब बहुत सी बातें हैं कि बहस बराए बहस में इंसान दूसरे के मुकाबले में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, इनकार कर देता है, मगर जब अपनी जगह होती है तो ज़मीर की रहनुमाई से उसे मानता है। तो उन्होंने कहा कि मसलन जो भी नवासा है वो अपने बाप की औलाद कहलाएगा, निस्बत उसी की तरफ होगी, फर्जंद अपने बाप का होगा, लेकिन ये है नवासे मगर खुदा ने इनको उनका बेटा करार दिया। ये इनकी खसूसियत रखी कि ये फर्जंद रसूल हैं। और इसके अलावा हर एक की गिज़ा वो शिर मादर से होती है, लेकिन इनकी गिज़ा लुआब दहन रसूल से हुई, ताकि अज्जाए जिस्म रसूल इनके जिस्म में शामिल हो जाएं। ये एहतमाम खालिक ने किया और फिर हदीसें कुछ फजाइल की भी दर्ज की कि यूँ तारुफ़ कराया और यूँ लोगों को इनके खसूसियत अपने से बताई। ये सब उसी मकसद की तकमील के लिए। तो मैं कहता हूँ कि जब रसूल ने ये सब उसी मकसद की तकमील के लिए किया तो हम भी जो मजलिसें करें उसे बिदअत न कहिए, ये भी उसी मकसद की तकमील के लिए है। ये सब एहतमाम हुआ और उसके बाद आखिरी नतीजा ये कि शहादत की दो किस्में हैं, एक शहादत सिर्री और एक शहादत जहरी। शहादत सिर्री यानी खुफिया शहादत, वो जहर से होती है, और शहादत जहरी यानी खुल्लम खुल्ला शहादत, वो तलवार से होती है। और ये दोनों किस्म की शहादतें दोनों नवासों में तकसीम हो गई। वो शहादत सिर्री यानी जहर वाली शहादत हसन मुश्तबा के हिस्से में आई, और ये तलवार वाली शहादत नुमाया तौर से वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई। और इस तरह वो फजीलत शहादत इन दोनों नवासों के ज़रिए से फजाइल रसूल में शामिल हो गई। बपूरा खुलासा ये उनकी किताब का मैंने अर्ज कर दिया, अब नतीजा निकालना मेरा काम है। अब वो खुद तशरीफ़ फरमा होते तो मैं उनकी पूरी किताब के मजमून का खुलासा खुद उनको सुना के तस्दीक कराता, लेकिन अब वो तो मेरे सामने नहीं है। अब आप देखिए जो नतीजा निकल रहा है वो साफ है या नहीं।
वो ये कि नतीजा ये हुआ कि शहादत हसन भी शहादत रसूल है और शहादत हुसैन भी शहादत रसूल है। बस अब इंतहाई अदब से, क्योंकि मेरे बहुत बुजुर्ग होते, अगर वो मौजूद होते तो बहुत अदब से मैं उनसे हंस करता कि जब आपने ये कह दिया तो बस अब ये बता दीजिए कि फिर कातिल हुसैन किसका कातिल और कातिल हसन किसका कातिल। अब जनाब फिर उस कातिल के बारे में कुछ कहने सुनने में इख्तिलाफ न रखिए। अब जो कातिल रसूल को कहना जायज हो वो कातिल हुसैन को कहना जायज समझिए, और जो कातिल रसूल को कहना जायज हो वो कातिल हसन के लिए कहना जायज समझिए। और बस अब जब ये बात आ गई तो एक सवाल जो होता है हमारी अज़ादारी पर, और मालूम है कि तमाम मंतिक़ और फ़लसफ़ा और शरीयत और क़ुरान और हदीस के हरबे वो सर्फ किए जाते हैं सोच सोच कर इसी हमारे आज़ादारी पर, यानि रोते हम हैं मगर आँखों को तकलीफ दूसरों के होती है, सीने पर मातम हम करते हैं दर्द सीने में दूसरों के होता है। तो ये हो तो एक सवाल ये होता है कि बाज़ सवाल का अंदाज़ ये होता है कि वाकई सुनने वाला जैसे महजूब हो जाए, शर्मा जाए, जैसे कायल हो जाए कि तुम आखिर वफात रसूल में इतना गम क्यों नहीं करते, इतनी यादगार इसकी क्यों नहीं कायम करते जितनी के शहादत हुसैन में तुम ये सब करते हो। तो एक सवाल है, चूँकि बहरहाल कोई शिया इसके मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम किसी भी मासूम को रसूल से बालातर समझते हैं, तो अब ये सवाल होता है। तो अब जैसे बाज़ वक्त कोई लाजवाब हो जाएगा, तो अब इरशाद जनाब शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी की रोशनी में मैं कहता हूँ कि ये सवाल उस वक्त तक है जब तक कहो वफात रसूल और शहादत हुसैन। इसी पर यह सवाल मबनी है। मैं कहता हूँ कि शाह साहब के इरशाद की रोशनी में साल में दो तारीखें हैं, एक वफात रसूल, एक शहादत रसूल। अब ये आप फैसला कीजिए कि वफात की यादगार मनाएं या शहादत की। और माशाल्लाह तालीम याफ्ता मजमे के लिए एक उसका जिंदा नतीजा अर्ज कर दूं कि वफात की याद में हमारे लिए अमली नमूना कोई नहीं है, और शहादत की याद में जो इख्तियारी इकदाम हैं वो हमारे लिए नमूना अमल है। तो अब बताइए हयात इस्लाम के लिए कौन ज्यादा कारगर है। तो बस अब अंदाजे मसाइब में बस करूंगा कि हमसे क्या पूछना है, इसे आसमान से पूछना है कि वफात रसूल पर क्यों खून की बारिश नहीं हुई और शहादत हुसैन पर क्यों खून की बारिश हुई। अब इसे देख लीजिए, अल्लामा इब्न हजर मक्की की किताब सवायक मोरिका जो इंतहाई सख्त रद में हमारे लिखी गई है, मगर उसमें देख लीजिए और मतालिब उसूल में अल्लामा कमालुद्दीन मोहम्मद इब्न तलह शाफी की किताब है उसमें देख लीजिए, और फसूल मुहिमा अल्लामा इब्न सब्बाग मालिकी की किताब है उसमें देख लीजिए, और तज़किरा ख़वासुल उम्मा सिबते इब्ने जौज़ी में देख लीजिए। और ये तो इस वक्त नाम यूँ ही याद आ गए तो पेश कर दिए, और किताबों में सब में देख लीजिए कि शहादत हुसैन पर 40 दिन तक, इन सब किताबों में है कि जो कपड़ा ज़ेर आसमान फैलाया जाता था उस पर खून के निशान नजर आते थे।
हमारे इम्कान की कोताही है। हमारे यहाँ तो हमारे हजरात शुआरा मुबालगे के तौर पर कहते हैं खून के आंसू, मगर हम तो ये से आंसू बहाते हैं। हकीकत में कायनात ने खून के आंसू बहा। चालीस दिन तक, इसके मानी है कि आशूरा ही के दिन को उसने यौम गम नहीं बनाया, बल्कि अरबईन की तारीख भी उसने मुकर्रर कर दी। वो बीस सफर तक 40 दिन पूरे होते हैं जिसमें कायनात सोगवार रही, और बाज़ वक्त एक रिवायत के साथ दिरायत ऐसी शरीक हो जाती है कि वो तवातुर की दलील हो जाती है कि अब कोई कहे कि ये रावियों ने बाद में बयान किया कि खून की बारिश हुई, मगर जनाब सबसे कदीम बसीत तारीख करबला की वो तबरी है। तबरी यकीनन बहुत हमें कदर है उसकी इस बिना पर कि सबसे पहली और सबसे आखिरी किताब है कुतुबे जमहूर में, जिसमें इतने बस्त तफसील के साथ वाकया करबला को दर्ज किया गया है। न किसी ने दो वर्क लिखे हैं, किसी ने पांच वर्क लिखे हैं। तो ये तबरी की अहमियत है, और कदीम तरीन तारीख जो हमारे बड़ी तारीखों में हमारे हाथ में उसमें है। तो अब आप देखिए, ये बाद की बात नहीं है कि ये लोगों ने रावियों ने बयान किया। बड़ा दिलदोज मरक्का है जो याद दिलाऊंगा कि वो वक्त जब कूफे के बाजार से माशाल्लाह वो पस मंजर आपके जहन में आ गया, मैं हल्की ही लफ्ज कहता हूँ कि काफिला गुजर रहा है। अब वो काफिला कैसा है वो आप सोच लीजिए, ये कि जब कूफे के राह से काफिला गुजर रहा है, और अभी कुछ बहुत दिन नहीं हुए, अरे 11 मुहर्रम को करबला से काफिला रवाना हुआ, तो कूफे दूसरे दिन तीसरे दिन पहुंच गया, यानी बहुत करीबी मौका। और उस वक्त इस वाक़े के तवातुर की दलील कती कायम होती है, एक कूफे के बाजार में। पहले तो एक जुमला सईद सज्जाद का है, जो एक जुमला मरसिया है कि जब मंजर ऐसा दर्दनाक था कि गुजर रहा था काफिला, तो चारों तरफ से वो जो तमाशाई आए थे तो कोहराम बरपा हो गया। कोठों पर से जो खवातीन थी और जो रास्तों में खड़ी हुई थी, एक आलम गिरिए का, मर्द और जन तमाम पर तारी था। और मैं कहता हूँ वही दलील इनकलाब था। तो वो जब काफिला गुजर रहा था तो एक जुमला फरमाया है हमारे चौथे इमाम ने कि हाउला यबकूना फमन कतलना, अरे ये तो सब रो रहे हैं, फिर हमारा कातिल कौन है। माशाल्लाह आप बेताब हो गए। हकीकत यह है कि मसाइब खंजर और तीर ही का नाम नहीं है, ये इन हजरात के जुमले हैं ऐसे मौके को जो हजार मुसीबतों का दफ्तर हैं। अरे ये सब तो रो रहे हैं, फिर हमारा कातिल कौन है। और अब उसी वक्त हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने, और वो कि जिसने कभी किसी से बात नहीं की है, उस वक्त इसने मकसद हुसैन की तकमील के लिए अपने खुतबे से बाप की याद ताज़ा कर दी। सुनने वाले ने कह दिया उसी वक्त कि मालूम हो रहा था अली की जबान है और ज़ैनब का दहन है। तो अब उस खुतबे को पेश नहीं करना है, मगर ये जुमला उसका जो मेरे बयान की दलील है,
कि उस खुतबे में उन दुश्मनों के मजमे में जिसमें हर एक इनकार कर सकता था, मगर उस मजमे में फातिमा की बेटी ने और अली की इस वक्त नायब ने और हुसैन के काफिले की सालार ने ये जुमला कहा कि अतअजबून अंतब की समाओ दमा, अरे तुम्हें हैरत है कि आसमान से खून क्यों बरस रहा है? ये तबरी के सफहात पर मौजूद है, आपसे ये दस्तावेज है खतरी इस वाकये के सेहत की। और बस अहले अज़ा अब खत्म कर दूंगा कि ये कहा जाता है कि तुम क्यों रोते हो, उसके साथ ये भी कहा जाता है कि अरे 1400 बरस तक आखिर कब तक रोगे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम इस सवाल ने मेरे रगे दिल को तोड़ दिया। अरे हमसे कहते हो 1400 बरस के बाद क्यों रो रहे हो? अरे जिन्हें बरवक्त रोने का हक था उन्हें रो लेने दिया होता, हुसैन को रोने वालियों की कमी न थी, ज़ैनब उम्मे कुलसुम ऐसी बहनें, फातिमा सकीना ऐसी बेटियां, लैला रबाब ऐसी बीबियां, सईद सज्जाद ऐसा फरजंद, मगर रोने कहां पाए। इधर वालिस की खबर आई, उधर अश्किया आग लेकर खेमों के पास आ गए। अब अपने वालिस की सफ़े मातम के